नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एस्ट्रो अभि चतुर्वेदी में। अभिषेक चौबे आज लेकर आया हूँ लव राशि फल 2023 के अप्रैल मई जून के महीने में। ऐसी कुछ राशियाँ हैं जिनकी लव लाइफ में बहुत कुछ बदलेगा, कुछ अच्छा भी होगा, कुछ बुरा भी होगा। हम आपको ये सब जानकारी दे रहे हैं। ये जानकारी हम आपको गोचर के अनुसार साथ ही चंद्र राशि के आधार पर दे रहे हैं। अगर आपको चंद्र राशि नहीं पता है तब आप अपने नाम राशि से देख व सुन सकते हैं। आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये लव राशि फल है। देखिएगा, एक कड़वा सच में बता रहा हूँ। व्यक्ति स्टार्टिंग में जुड़ते हैं तो किसी की बातें पसंद आ जाती हैं, किसी की आवाज़ पसंद आ जाती है, किसी का चेहरा पसंद आ जाता है, तो बड़े बड़े वादे कर देते हैं कि हम हमेशा रहेंगे, हम सफ़र बन के रहेंगे। कुछ लोग होते हैं ना कि गुप्त रूप में शादी भी कर लेते हैं, कहीं जाके किसी देव स्थान में या फिर किसी तीर्थ स्थान में जाके, और जब समाज के सामने आते हैं तो गुप्त रूप में रहते हैं। और जब पार्टनर कहता है कि हमें अपनी फैमिली से मिलवाइए या फिर हमें समाज के सामने अपना स्वीकार कीजिए, तो वो मना कर देते हैं और फिर कहीं ना कहीं आपको रीज़न बताने लग जाते हैं। कई लोग ऐसे ही अफेयर में रहते हैं, फिर मना कर देते हैं, बोल देते हैं हमारी फैमिली एग्री नहीं है, या फिर कास्ट का वो बता देते हैं प्रॉब्लम, मतलब कहीं ना कहीं आपको छोड़ने का वो पूर्ण रूप से सोच लेते हैं। या फिर थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की लाइफ में इन्वॉल्व हो गई हो या आपकी लाइफ में, जिसके चलते आपकी लव लाइफ में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही हो। कई लोग होते हैं लव मैरिज कर लेते हैं बेचारे, बाद में रोते हैं। एक चीज़ याद रख लेना, अगर आपकी कुंडली में दिक्कत है तो भूल के भी लव मैरिज मत करना, अन्यथा मैं सच बता रहा हूँ, आज आपको बहुत अंदर की बात शेयर कर रहा हूँ मैं। हमारे पास बड़े बड़े ऑफिसर लोग कुंडली देखो हैं, बहुत बड़े बड़े अधिकारी, ठीक है, जिनको प्राय लोग जानते हैं और उनका नाम नहीं लेना चाहिए, वो लोग भी बेचारे ज़बरदस्ती मतलब लव मैरिज कर ली उनने। आज कंडीशन ये है कि रो रहे हैं, हर चीज़ें क्या नहीं है उनके पास, पैसा है हर चीज़, लेकिन वो अंदर परेशान है, दुखी है, वही चीज़ है। तो आप लोग भी कोई जल्दबाजी में आके डिसीजन गलत मत लेना। अगर आप गलत डिसीजन ले लोगे ना तो जीवन भर पछताना पड़ता है ना। पहले कुंडली देख लेना किस वजह से प्रॉब्लम हो रही है। ऐसा तो नहीं कि कोई व्यक्ति आपसे पीछा छुटाना चाहता और ज़बरदस्ती आप उस पर रिश्ता चलाए जा रहे हो, तो वो कब तक चलेगा, वो सब हम आपको कन्फर्म बता देंगे। आपकी कुंडली देखते ही हम आपको सब कुछ बता देंगे कि आपके लाइफ में किस ग्रह की वजह से प्रॉब्लम हो रही है। आप किसी से प्रेम करते हैं तो मिलोगे या नहीं मिलोगे, आपको कोई छोड़ के गया है तो वो वापस आएगा या नहीं आएगा, या कोई बड़े बड़े वादे कर रहा है तो वो क्या आपके लिए सही है या वो बाद में बदल जाएगा, वो सब हम आपको क्लियरिटी बता देंगे। आपके पार्टनर का चेहरा दिखा देंगे। हम ऐसे ही नहीं कहते हैं कि एक सत्य सुनने की क्षमता रखो तब हमारी वीडियो देखो, हम बताते भी हैं सत्य, ठीक है। लोग ये आश्चर्य करते हैं, सर आप कैसे बता देते हो सब चीज़ें, ये सब ऊपर वाले की दया है और आप लोगों का स्नेह है ना, जिसके वजह से हम बता देते हैं। चलिएगा, हम मेन टॉपिक पे बात कर लेते हैं। इन तीन महीने में कोई कहीं क्यों ना हो जाए, लेकिन जो हम बता रहे हैं वो ऐसा ही होगा। जिनकी कुंडली में अगर दिक्कत नहीं है तो 110% ऐसा ही होने वाला है। अगर आप मेष राशि के हैं, आपकी लाइफ में तीन महीने बहुत कुछ उथल पुथल देखने को मिलेगा। आपके लाइफ में इतना चेंजिंग आएगा कि आपने सोचा भी नहीं होगा। आपको हर एक व्यक्ति अपना चेहरा दिखाएगा, रंगत दिखाएगा अपनी, ठीक है। सेकंड नंबर, आपने जो चीज़ सोची भी नहीं होगी आपके साथ वो स्थिति होगी। यहाँ पर आपको लगेगा कि दुनिया बेकार है, इन चीज़ों में ना पढ़ के हमें अपने कैरियर पे ध्यान देना चाहिए। देख लेना आप, ये चीज़ आपको हमारी याद आएगी ये वीडियो। सेकंड नंबर, आपकी लाइफ में कोई पुराना व्यक्ति भी वापसी करने की कोशिश करेगा और जो व्यक्ति है वो भी आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा परेशान करेगा, जिसके चलते आप अपनी लव लाइफ में परेशान दिखेंगे। बस अलते खुशी की बात यह है कि आपका पार्टनर अगर कोई है तो वो छोड़ेगा नहीं और नया पर्सन आ सकता है, तो उनमें से चुनाव आपको करना होगा कि आपको नए को रखना है या पुराने को रखना है। हम तो आपको ज़्यादा यही कहेंगे कि आप देख लेना कौन सी राशि का व्यक्ति है, राशि के अनुसार उसको रखना, ठीक है। बात कर लेते हैं दूसरी राशि जिनके लव लाइफ में इन तीन महीनों में बहुत कुछ बहार देखने को मिलेगी।
अगर आप मिथुन राशि के हैं। आप की लव लाइफ में इतना कुछ बदलेगा जितना कि आपने अनुमान नहीं लगाया होगा। अगर आप सिंगल हैं, काफ़ी टाइम से परेशान थे, हमारे पास कई लोग कमेंट करते सर हमारी लाइफ में कोई है ही नहीं और कोई आता ही नहीं है, तो आप अगर मिथुन राशि के हैं तो 100% आपकी लाइफ में भी किसी की एंट्री होगी, बशर्ते वो व्यक्ति आपको बाद में जाके धोखा भी देगा, चीट करेगा आपके साथ। कई आपके पार्टनर शायद इन 3 महीनों में आपके पार्टनर रंगत दिखा देंगे अपनी, आपके पार्टनर का भी चेहरा आपके सामने दिख जाएगा। आपके लाइफ में एक चीज़ और देखने को मिलेगी, अगर आपसे कोई रूठ के चला गया था या किसी ने आपको ब्लॉक कर दिया था तो वो अनब्लॉक करेगा, साथ ही रूठा हुआ व्यक्ति वो मान भी जाएगा। ठीक है, बात कर लेता हूँ तीसरी राशि जिनके भी इन 3 महीनों में बहुत कुछ परिवर्तन देखने को मिलेंगे। अगर आप वृश्चिक राशि के हैं आप भी खुश हो जाइए, सच में आप बड़े खुश नसीब व्यक्ति हैं कि ये 3 महीने आपके लिए अच्छे निकलेंगे। अगर कुंडली में दिक्कत नहीं है तो ठीक है, जिनकी कुंडली में दिक्कत है उनके साथ प्रॉब्लम होगी, जिनके में नहीं है उनकी लाइफ में 110% बहुत कुछ अच्छा होगा। अगर आप लव मैरिज के लिए चाहते थे इन 3 महीनों में आपकी लव मैरिज का भी अच्छा योग बन रहा है, शादी का भी। ठीक है, सेकंड नंबर, आप अगर किसी को प्रपोज करना चाहें तो कर सकते हैं, 3 महीनों में आपको कोई व्यक्ति अपना लेगा या कोई मिल जाएगा। ठीक है, बात कर लेता हूँ चौथी राशि जिनके एक्स पार्टनर वापसी करने वाले हैं। अगर आपकी मकर राशि है तो ये 3 महीनों में आपको किसी भी राशि के आपके पार्टनर क्यों ना हो वो वापसी करेंगे, साथ ही अब वो गिल्टी भी फील करेंगे, थर्ड पार्टी के चक्कर में आके किसी के बहकावे में आके छोड़ के आपको चले गए थे तो वो वापसी भी करेंगे। ठीक है, अब बात कर लेता हूँ पांचवी राशि जिनके साथ भी इन 3 महीनों में बहुत कुछ बदलेगा। अगर आप कुंभ राशि के पर्सन हैं तो आप भी खुश हो जाइए, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना है आपको, अगर आपकी अंतरसा या प्रत्यंतरसा में थोड़ी बहुत भी डिफरेंस वाला ग्रह चल रहा है जिससे कि परेशानी होती है तो आपको दिक्कत हो सकती है, अगर नहीं चल रहा है तो आपकी लव लाइफ में बहुत कुछ अच्छा रहेगा, आप अपने पार्टनर के साथ बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे समय को। ठीक है, तो ये आप के लिए बहुत अच्छा है इन 5 राशियों के लिए, और अगर आपके साथ कोई प्रॉब्लम हो रही है लव लाइफ में आप या फिर अपने करियर को लेकर चिंतित हैं तो परेशान मत होइए, हमारे यहाँ फीस जरूर लगती है बट आपको सत्यता बताई जाती है, आप हमारे इसी नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। ओके, आप हमारे फीडबैक इंस्टाग्राम पे भी जाके पढ़ सकते हैं एस्ट्रो अभि चतुर्वेदी के नाम से, आपको पता लग जाएगा कि है क्या चीज़, हम ऐसा नहीं कि अपनी बड़ाई अपने आप कर रहे हैं, आप स्वयं ही देख लोगे। ओके, आज के लिए बस इतना ही, आप अपना ध्यान रखें, अच्छे से अपने फैमिली साथ हंसते मुस्कुराते रहें। जय श्री कृष्ण।